आज सिरसा आई हैं सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तैयारी अठारह तारीख का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, उस संदर्भ में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और जो बाकी तमाम इंतजाम हैं उसकी समीक्षा के लिए हम लोग आए हैं। मैं हूँ, एडीजी सीआईडी हैं आलोक मित्तल जी, एडीजी रेंज हैं श्रीकांत यादव, एसपी साहब हैं, बाकी अधिकारीगण हैं सर, जो आयोजक हैं और जो बाकी लोग इस तमाम व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उनके साथ विचार विमर्श करके और एक सुदृढ़ और सुचारू रूप से सारा जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो इसके लिए यहाँ आए। कितनी फोर्स लगाई जाएगी सर? काफ़ी पर्याप्त संख्या में फोर्स रहेगी, उसमें काफ़ी अधिकारी बाहर से भी आ रहे हैं, कई कंपनियां रहेंगी उसमें, एचएपी की भी रहेंगी, आईआरबी की भी कंपनियां रहेंगी, अधिकारी भी रहेंगे, एडिशनल एसपी रहेंगे, डीएसपी रहेंगे, पर्याप्त मात्रा में फोर्स रहेगी। सर, पंचों ने ऐलान किया है कि अमित शाह की कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा, तो उनसे निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम यही अपनी ओर से उनसे भी यही हमारा अनुरोध रहेगा कि कार्यक्रम में किसी प्रकार का विघ्न वो न करें, शांतिपूर्वक कोई भी प्रदर्शन है वो किसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें कोई भी करता है उसके लिए उसे उचित अवसर मिलते हैं, किंतु अगर इस तरह के किसी कार्यक्रम में कोई विघ्न डालने का प्रयास करेगा या कोई उसको खराब करने का कोशिश करेगा तो हम उसके लिए समुचित प्रयास करेंगे। सर, इतना बड़ा इवेंट है, शहर में हो रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से सर प्लान किया जाएगा कि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि अक्सर इस तरह के कार्यक्रम में जब शहर में होता है भीड़ ज़्यादा होती है, ट्रैफिक की दिक्कत होती है, तो उस तरह का कोई स्पेशल रूट तैयार करवाने के लिए कहा गया है? ऐसा है कि ट्रैफिक के बारे में बहुत विस्तृत तौर पर प्रबंध किए जाएँ, आम आदमी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था रहे, तो इसमें समन्वय बनाकर बहुत अच्छे इंतजाम रहेंगे जिससे आम आदमी को, खासकर एम्बुलेंस है, कोई और ज़रूरत है, बीमार व्यक्ति है, उनको कोई दिक्कत ना हो और फिर भी पूरा जो ये कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चले, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से और आम आदमी की सहूलियत के दृष्टिकोण से एक सामंजस्य स्थापित करके अच्छे तरीके से इसे करवाया जाएगा। थैंक यू। ठीक सर।